पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं और बीती रात चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दो दुकानों से लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक की कीमत का माल चोरी कर लिया। चोरों ने एक जूते की दुकान और दूसरी पिज्जा की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पिज्जा रेस्टोरेंट के मालिक जोगिंदर सिंह का कहना है कि उनकी दुकान की दीवार काटकर दुकान से नकदी और LCD चोरी कर ले गए, जबकि जूता व्यापारी अंकित यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान से भारी मात्रा में जूता और कपड़ा चोरी हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। पिज्जा की दुकान है और इसमें से एक तो LCD गई है और गले में 4900 रुपए रखे थे और 4900 रुपए गए, बाकी सामान देखने के बाद पता चलेगा कि और भी कुछ सामान हो सकता। तो ये कैसे अंदर एंट्री करी इन्होंने? ये अंदर पीछे से कोमल काट के एंट्री की है ऊपर से। अच्छा, आपको कैसे पता चला? सुबह जो लड़की हमारे यहाँ काम करती है वो सुबह आई, उसने ताला खोल कर जैसे अंदर आई तो देखा कि शीशा टूटा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, तब उसने फोन करा, तब हमें पता लगा। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को 100 नंबर को सूचना दे दी। 45 जोड़े के जूते हैं स्पोर्ट्स के सब, और 10-12 तक के सप्लीमेंट के हैं, और ये कपड़ा देख रहे हो आप सामने, कपड़ा गया इसका अंदाजा नहीं है कितना गया, लेकिन देखेंगे तो पता लगेगा कितना गया। लगभग कितने रुपये का सामान चला गया? टोटल 1.25 लाख रुपये का सामान गया।